बाबा कहते हैं हरित की काली मिर्च वस्त्र पर रखकर दान देने से यदि किसी के ऊपर ब्रह्म बाधा के कारण सफेद रोग हो गया है वो दूर हो जाता है। कितने भी पूजा करो आपकी भी व्यवस्था ऐसा करने से वो भी ठीक हो जाता है। सफेद रोग अगर आपके अंग में हुआ है ठीक नहीं हो रहा है, हरित की काली मिर्च वस्त्र पर रखकर किसी ब्राह्मण को दान कर दीजिए, आपका दूर हो जाएगा। मैं नहीं कहता, विद्येश्वर संहिता का 16वां अध्याय और 50वां श्लोक है। हरित की मरीचिना वस्त्र छीरा दानता ब्रह्म प्रतिष्ठया चैव छयम रोग छया भवे। शिव महापुराण का एक एक श्लोक कटु सत्य है। ऐसा करने से आपका क्षय रोग दूर हो जाता है। यदि किसी को मिर्गी आती है, वो अगर ठीक नहीं हो रही है, दवा से पूजा पाठ से शिव महापुराण सुनने से ठीक होगा। इसका विधान है आटे का दीपक बनाओ, चारों तरफ काली सरसों छीट दो, दीपक जलाओ, उतारा करके 7 अमावस्या पीपल के पेड़ के पास रख करके आओ, मिर्गी दूर हो जाएगी। शिव महापुराण कब कृतिका सौम्यवारेषु ब्राह्मणों यजनानां दध्योदनं दानं च सत्संतानकरं भवे। जिनको संतान नहीं होती, डॉक्टर ने जवाब दे दिया मां नहीं बन सकती, स्मरण रहे बरसात के मौसम में जिस दिन आद्रा नक्षत्र हो, आद्रा नक्षत्र में आप गांव में जाइए जहां बांस की कोट होती है, वहां पर कुछ कोपल निकलते हैं। हमारी तरफ करेल बोलते हैं गांव में, आपकी तरफ क्या कहते हैं? करेले बोले थे ना, ये तो हास्य विनोद की बात है लेकिन गंभीरता से, उस कोपल करेल में ना इलायची की तरह 2 फल लगे रहते हैं। वो आर्द्रा नक्षत्र में आप निकाल लीजिए, लाकर घर पे उसकी पूजा करिए। उसका विधान है, मुहूर्त है, पीस करके आप पी लीजिए, काक बंध्या भी मां बन जाएगी नारायण, शिव महापुराण कहता है। नक्षत्र याद रहे।